राजा भाई जिनकी ये पीछे बोट खड़ी हुई है इसमें ही हम जाएंगे। अभी दशाश्वमेध घाट की आरती स्टार्ट होगी, फिर ये बोट चलेगी ना, तब ये बोट चलेगी और मैं आपको पूरे नाइट विजुअल्स बाय बोट दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं आपको आगे के जो विजुअल्स हैं वो बोट के दिखाऊंगा और राजा भाई हमको बताएंगे सारे घाटों के बारे में। भाई इस नाव की स्टेयरिंग, राजा भाई बोट हो गया स्टार्ट। अब आप व्यूज एंजॉय करो नाइट के। यहाँ से कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है लेकिन मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो बहुत ही अलग सीन है। एक्चुअल में ये जो पूरा माहौल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बहुत अलग सीन बन रहा है यहाँ पर। अभी भैया हमको ये घाट के बारे में बताएंगे, दशाश्वमेध घाट के बारे में। जहाँ पे आरती हो रही है, ये महाराजा दशरथ ने यहाँ पे दसवीं यज्ञ करवाया था, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध। क्या करवाया था? दसवीं यज्ञ। दसवां यज्ञ? हाँ। ये पहले घोड़ा घाट के नाम से जाना जाता है, घोड़ा घाट। हाँ। अभी इस वाले महल में जा सकते हैं अंदर? इस वाले महल में अभी अलाउ नहीं है, वो जो 4 o'clock का लॉकडाउन लगा हुआ है ना घाट पे, उसकी वजह से अभी अलाउ नहीं है। अच्छा, ओके। यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं और सामने आरती हो रही है, तो काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। नारद घाट पे? अच्छा, छिमेश्वर घाट है। कौन सा? छिमेश्वर घाट। अच्छा, छिमेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पे कोई भी गुरु जी को जाने से क्षमा मांगने क्षमा मिलता है। ये वाला घाट है? हाँ, छिमेश्वर घाट, येलो कलर का जो टेम्पल है ये वाला घाट है। अच्छा, और तो मानसरोवर घाट था, मानसरोवर कुंड के नाम से वो घाट का नाम। हाँ, आगे आगे बता रहे आगे चलिए बता रहे ये काफ़ी अच्छा घाट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फोटोज आ सकते हैं। सिर्फ चौकी घाट है, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी क्या, पहले के समय में यहाँ पे चौकी था, पुलिस चौकी था, पुलिस चौकी था, बस इसलिए चौकी घाट है, चौकी घाट है पहले के समय। हम लोग यहाँ अभी चौकी घाट पर और यहाँ पर बच्चे कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से घूमते घूमते अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी इसके आगे जाने का प्लान है 80 घाट तक जाऊँगा मैं। अभी मैं हूँ चौकी घाट पर और ये दोनों भाई हमको मिले हैं। आपका नाम क्या है? शुभम सिंह। आपका? वैभव श्रीवास्तव। हम छपरा से हैं, बलिया। छपरा से? वो बलिया से? ये हम छपरा से हैं, ये बलिया। अच्छा, ओके। तो भाई
ये लोग भी घूम रहे थे, मैं अकेला घूम रहा था, अब साथ में घूम रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अकेले घूमते घूमते काफी सारे दोस्त बन जाते हैं ऐसे। पर अब हम 80 घाट तक जाएंगे और आपको सारे विजुअल्स दिखाते जाएंगे। ये राजा हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट त्याग करके अपने आप को यहाँ डोम के हाथों बेचकर लाश जलाने का काम किया। सो ये है राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पर भी मतलब लाशें आती रहती हैं, डेड बॉडीज आती रहती हैं, और यहाँ पर भी लोगों को जलाया जाता है और बराबर जलाते हैं यहाँ पर, मतलब दिन रात चलता है ना ये बनारस में 24 आवर चलता है ये। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई थिंक यहाँ पर कुछ बलि बलि दी जाती है क्या? हाँ, होता है। सो नाइट व्यूज जो हैं बनारस के घाट के वो बहुत अच्छे हैं और वाइब्स काफ़ी अच्छी हैं यहाँ की। सो आप देख सकते हो, ये देखो, हेवन इज मेड, वाराणसी इज रियल। ओहो भाई ने डायलॉग चेप दिया। यहाँ हर घाट की अलग अलग वाइब्स हैं। सो ये काफ़ी बड़ा घाट है, शिवाला घाट, काफ़ी मस्त है यार ये। ये देखो काफ़ी सही लग रहा है मेरे को तो, और काफ़ी पीसफुल है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। मतलब आप आओ यहाँ पर गंगा किनारे, पैर डालकर बैठ सकते हो इसमें, और नहीं तो आप वहाँ ऊपर बैठ सकते हो, काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ भी आ सकते हैं आपके यहाँ पर। और यहाँ से पीछे का व्यू भी अच्छा है, कैमरे में आपको सही से दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं जो अपनी आईज से देख रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है। और ये बताया जाता है वन ऑफ द बेस्ट घाट ऑफ बनारस। मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि इस घाट पर जाके बैठना, और ये जो पॉइंट है मतलब इस पॉइंट पर जाके बैठना बहुत पीसफुल है और लग भी रहा है भाई कोई नहीं है यहाँ पर। चेत सिंह घाट है ये। सो चेत सिंह घाट का नाइट का व्यू कुछ ऐसा है, काफ़ी पीसफुल जगह है, आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो। और सामने गंगा, ये सीढ़ियाँ हैं, और ये यहाँ से व्यूज़। सो काफ़ी सही जगह लग रही है मुझे ये चेत सिंह घाट, और हवा भी काफ़ी सही चल रही है। और इसके आगे है 80 घाट 950 मीटर दूर, तो अभी हम वहाँ भी चलेंगे। बाकी यार मस्त है यार ओवरऑल नाइट में। क्यों नाइट में घूमने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मज़ा आया? बहुत सही लगा। बाइक से ना दिन से अच्छा है ना? चलो ठीक है, चलें आगे। चलो जी आगे चलते हैं और आगे के व्यूज़ आपको दिखाते हैं। भाई कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं करेक्ट, बस हम 3 लोग घूम रहे हैं। एक्चुअली मेरा प्लान है 80 घाट तक जाने का। वेरी नाइस, बढ़िया आवाज निकाल रहे हैं। ओ ये और अच्छा है यार, जैन घाट, यहाँ पर बोट्स हैं काफी सारी। सही घाट है यार ये वाला भी, जैन घाट। दिस इज जानकी घाट, यहाँ पर भी काफी अच्छा व्यू है। यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, फोटो शूट। सही है यार। भदौनी घाट है ये, और भदौनी घाट से आप यहाँ से ऊपर जाओगे, इसको
कूद के आपको जाना पड़ेगा और इस टावर पे चढ़ जाना ऊपर, बहुत अल्टीमेट व्यूज़ आते हैं। ये रहा रास्ता ऊपर जाने का, आपको कूद के जाना पड़ेगा गेट। और वाह यार, ये तो बहुत मस्त है, कुछ डिफरेंट है ना। तो ये काफ़ी अच्छी बोट है, ये सही है भाई, जलपरी बोट। चलिए जी नेक्स्ट घाट देखते हैं, 84 घाट भाई, पैदल पैदल। हम आ पहुँचे हैं अब एक बीच पर जो कि है तुलसी घाट पर। यहाँ पर हर 100 मीटर पे वाइब चेंज हो रही है, मतलब हर 100 मीटर पे वाइब चेंज आपको मिलेगी, टोटली डिफरेंट वाइब्स। सामने जो व्यू है हमारे वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। ओ हो, यहाँ पर तो गिटारिस्ट हैं, इनको भी ले लिया आ जाए। वाह, तेरे ही ख्यालों में बीती रातें दिल मेरा माने बस दिखा, अखियां देखो रह जाने दो, कहना है जो कह जाने दो। ओ तेरे ख्यालों में बीती रातें ये है भाई वाइब। नाइट में घूमने का मजा ही कुछ और है, काफी सारी डिफरेंट चीजें हर 100 मीटर पे देखने को मिल रही हैं और मजा आ रहा है। मतलब यहाँ से अब यूथ वाले घाट चालू हो गए हैं, मुझे अब जो दिख रहे हैं वो पूरा यूथ दिख रहा है। यहाँ पर भी, अरे भाई है यार, बाबा भाई है यहाँ पर ऐसे भाई, आपको यहाँ पर लोग बैठे हुए मिल जाएंगे तो, जो कि अकेले अपना वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं। इवन मैं भी बैठा था अभी आधे घंटे पहले ऐसे, तो सही वाइब्स है यार यहाँ की भी। भाई कौन सा घाट है ये? 80 घाट है। ओहो भाई, अपने डेस्टिनेशन पर खड़े हैं और हमको पता ही नहीं है। वी आर ऑन द फाइनल डेस्टिनेशन भाई, ये 80 घाट है। हाँ, ये देखो वहाँ गंगा मैल घाट लिखा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, अदरवाइज़ यही 80 घाट है। सो यहाँ की आरती आपको मैं सुबह दिखाऊंगा, उसका मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगा। सुबह का जो वाइब्स यहाँ की होंगी उसका अलग प्रॉपर अलग से एक ब्लॉग रहेगा, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है पर्सनली इधर। सो ऐसा कुछ है रात का व्यू यहाँ का, मैं आपको दिन का भी दिखा दूँगा, एक्चुअल में कल आऊँगा मैं इधर। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ 80 घाट। हम लोग 80 घाट तक आ गए हैं पैदल पैदल। कहाँ से हम? दशाश्वमेध से आ रहे हैं ना? हाँ, दशाश्वमेध घाट से हम लोग 80 घाट तक पैदल पैदल आ गए हैं, और आपको सारे विजुअल्स दिखाए और सारे मतलब घाट के अलग अलग वाइब्स हैं आपने देख ही लिए। सो इस घाट को भी हम आगे और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घाट है यार ये, आपको रात को कैमरे में तो नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको दिन में भी दिखाऊंगा ये, दिन के भी आपको व्यूज़ दिखा दूंगा, विजुअल्स दिखा दूंगा यहाँ के कि भाई दिन में कैसा लगता है ये। कैमरे में थोड़ा थोड़ा फॉग आपको लग रहा है, हल्का हल्का सा ही है वो फॉग, ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी सही है यार वाइब यहाँ की। यहाँ की वाइब मतलब बिल्कुल टोटली अलग है, बहुत मस्त चिलिंग वाइब्स है। सो फाइनल व्यू देख लो, तो हम वापस से सिटी वाइब में आ गए अपनी घाटों से निकलकर, और वो दोनों जो भाई थे उनकी रात को 11 बजे ट्रेन थी, तो वो दोनों अपना निकल गए भाई मंदिर वंदिर घूमने के लिए, और उनको हमने काशी विश्वनाथ मंदिर पर छोड़ दिया, तो वो गए हैं टेम्पल घूमने के लिए, और हम जा रहे हैं अपना हॉस्टल। मतलब मैंने आपको सारे घाट दिखाने की कोशिश करी, बस
दशाश्वमेध घाट के पीछे जो घाट्स हैं, मतलब मणिकर्णिका घाट और भी कुछ घाट्स हैं, वो उनका मैंने पर्टिकुलर अलग ब्लॉग बना दिया है। तो मणिकर्णिका घाट का ब्लॉग आप देख लेना, अलग से बनाया है। राजा भाई, बारिश शुरू करा दी तुमने? क्या बताएं भैया, भोलेनाथ का नगरी है, बारिश तो हो गई। ओ बिजली कड़की। सो बारिश शुरू हो गई है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मैं भागता हूँ यहाँ से। चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से, आपको बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी। सो निकलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय। बारिश होने लगी भाई बहुत तेज़।